अभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में सबसे पहले तो भाई जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी ई बुक बन के तैयार है आपकी ई बुक यस मैंने यही कहा आपकी ई बुक आपकी ई बन के तैयार है और ये ई बुक आज आपको बताऊंगा कैसे कैसे मिलेगी कहाँ कहाँ पर मिलेगी हर एक चीज आपको बताऊंगा एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे जल्दी से भाई फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे लेट क्यों हो गया लेट आज ई e बुक को फाइनल करने में हो गया मेरे को ये था कि जब यहाँ लेके आऊँ आपके पास तो आपको दिखा पाऊँ कि आपकी ई e बुक में मैंने क्या क्या काम किया है तो आपकी ई e बुक के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा ई e बुक को फाइनल करने के बाद ही क्लास मैंने सोचा था स्टार्ट करूंगा आप देख सकते हैं हालत पूरी हालत खराब हो रखी है काम इतना कर रखे हैं इतना कर रहे हैं आपके लिए आप चिंता मत करना ये समझिए आपके बताई बातों पे चल रहे हैं जैसे आप कहते हैं ये चाहिए आपके लिए वो लेके आ जाते हैं ई e बुक आपके लिए तैयार है सबसे पहले मैं इस ई e बुक की ही बात करूंगा लेकिन ई e बुक की बात जब स्टार्ट करूंगा जब जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करोगे भाई जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दोगे तुरंत हम ई बुक की बातें स्टार्ट करेंगे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ई बुक का सलूशन कहाँ होगा लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर आप यहाँ पे अगर पढ़ पाओ तो आप ये देख पाओगे आप अगर थोड़ा सा पढ़ पाओ तो ये देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्ड बाई लिंग्वल इंग्लिश की जितनी भी ई बुक अब तक आई हैं वो सारी की सारी डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ आई यहाँ हल्का फुल्का डिटेल में सोल्यूशन नहीं जो आपके मन में इंग्लिश को लेकर डाउट्स आते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में जो डाउट आ सकता है वो डाउट हमने वहाँ पर लिख रखा है आपको लगता है सर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा हमने लिख रखा है क्यों नहीं होगा यही वाला क्यों होगा ये भी लिख रखा है कि क्यों होगा हर एक चीज़ यानी कि सल्यूशन इतना डिटेल्ड है और इतनी आसान भाषा में समझाया गया है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा लगेगा ई बुक को पढ़ते टाइम जैसे कि एक टीचर आपके सामने खड़ा हो गया आपको कुछ समझा रहा है ठीक है अब कुछ बच्चे कह रहे सर वोकैब की बुक लाओ देखो ये प्रीवियस ईयर सोल्यूशन की बुक है वोबलरी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और विद सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड और आपके इडियम्स सारे के सारे ई बुक डाल है उनको अपडेट करने का काम लगातार चल रहा है जैसे ही वो अपडेट हो जाएंगी तो अपडेट करके वो आपको अपडेटेड फाइल्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। काफी बच्चे आ चुके हैं और बाकी सारे भी आते रहेंगे वॉइस कम है ठीक है वॉइस अब मुझे लगता वॉइस काफी होगी एक बार बताएंगे अब वॉइस ठीक है या नहीं है तो सबसे पहली चीज आपने देखी कि डिटेल्ड बाइलिंगल सोल्यूशन होंगे एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा कि इस ई e बुक में आपको क्या मिलने वाला है हर एक चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इस ई e बुक में आपको क्या मिलने वाला है किस तरीके से आप कर पाओगे सम मतलब किस तरीके से इसको यूज कर पाओगे सबसे पहले ये इंग्लिश के ही के पेपर्स हैं कब के हैं ये ऑल सेट्स ऑफ एस एस सी सी एच एस एल दो हजार इक्कीस इस दो हजार इक्कीस से देख कर इस दो हजार इक्कीस को देख कर ये मत समझना कि ये पुराने क्वेश्चन हैं ये पेपर मई जून दो हजार बाईस में हुआ है लेटेस्ट है यानी कि ये 2022 के क्वेश्चन है पेपर जो था वो 21 वाला था आप सब जानते हैं कि एसएससी कितना जल्दी है कितना तेज है आप पी लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो ये बात हो गई बात कर लेते हैं ये किस किस के लिए यूजफुल है भाई बहुत जरूरी है आप सी का पेपर दे रहे हैं तो भी ये काम आएगी आपको सीपीओ का पेपर देना है तो भी बहुत जरूरी है सीएचएसएल का पेपर तो है ही जरूरी स्टेनोग्राफर का पेपर अगर देना है तो भी बहुत जरूरी है इवन आप अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके बहुत काम की चीज़ है आप दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम एचसीएम वाला जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है उसके अलावा जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है जिनमें भी इंग्लिश आती है कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है तो उन सभी एग्जाम्स में ये बहुत काम की चीज़ है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ठीक है लिखी किसने मैंने लिखी है आप सब जानते हैं ठीक है इसमें हमने एक चीज़ और जो बता रखी है आप लोगों को अगर आप ध्यान दोगे तो ये है कि ऑल्सो अवेलेबल आप सबको मैं बता देता हूं सी जी एल प्री दो जो कि अप्रैल में पेपर हुआ था आपका कौन से महीने में अप्रैल में पेपर हुआ था इसकी ई बुक आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इसकी ई बुक आपको पहले से मिली हुई हुई है मिली हुई है तो आप इस ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप कहोगे सर ये वाली ई बुक कहाँ मिलेगी आर जी विक्रमजीत ऐप पर मिलेगी टेलीग्राम पे मिलेगी टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और इंग्लिश बाय प्रशांत सर दोनों पे मिलेगी आप कहते हो सर कैसे मिलेगी ढूंढना पड़ेगा तो आप बहुत सिंपल सा काम ये कर सकते हो सिर्फ इस पर क्लिक कर देना आप सीधे यहां अगर आप क्लिक करोगे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं खुद भी वहीं चला जाऊंगा और मुझे आपके पास रहना है है ना आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे क्लिक हियर डाउनलोड नाव ठीक है तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आप सीधे के सीधे पहुंच जाओगे उस ई e बुक सीधे उस ई e बुक पहुंच जाओगे तो जैसे ये आपके मोबाइल में आए तो आप यहाँ क्लिक कर लेना आप सीधे उस ई e बुक पहुंच जाओगे ठीक है बहुत मतलब पूरी तरीके से स्मार्ट ई बुक है ये पूरे तरीके से स्मार्ट है ठीक है ये जो हमारा इस बुक का पहला पेज जो मैंने रखा है ये मेरे पेरेंट्स हैं ये मेरी मम्मी हैं ये मेरे पापा हैं मेरे पापा आर्मी में थे ठीक है अभी रिटायरमेंट है उनका तो भी घर पे ही है गाँव में रहते हैं दोनों एकदम गाँव से बिलोंग करते हैं हम लोग मम्मी पापा भी बिल्कुल गाँव में ही हैं ठीक है तो ये बुक मैं डेडिकेट करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए एक बार मैं आ... पेरेंट्स क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं सबकी लाइफ में तो पेरेंट्स को मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी बुक को ठीक है ये मैंने अपने बारे में कुछ सेक्शन लिख रखा है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ हर चीज़ ये मेरे बारे में है ये हर जगह पे हमारे टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का फेसबुक का मेल यूट्यूब सबका लिंक है जिस भी लिंक पर आप क्लिक करोगे आप सीधे उसी जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ भी मैंने फालतू में इधर उधर लिंक नहीं लगा रखे भाई जैसे आजकल की पी में आपको मिलता है कि पूरे पेज भर के लिंक लगा देते हैं नहीं स्मार्ट जमाने में स्मार्ट लिंक लगा रखें सिर्फ यहाँ क्लिक करोगे तो ही आप जाओगे अदरवाइज नहीं आप बाकी आराम से पढ़िए ये आपके लिए एक मोटिवेशन है मैं बिल्कुल गांव से आया हुआ बिल्कुल सेवल से आया हुआ, से आया हुआ हुआ जीरो लेवल से उठ के एक लड़का अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं आप भी कर सकते हो हर कोई जो मेहनत करता है वो वो कर सकता है जो वो करना चाहता है अगर मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं अगर मैं सीजीएल क्रैक, क्रैक कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं हर कोई कर सकता है मैं भी उस लेवल से उठ के आया हूं जहां इंग्लिश तो मतलब ऐसे लगती थी कि इंग्लिश सपना हो अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं बिल्कुल कर सकते हैं सभी कर सकते हैं ठीक है ये मेरी खुद की फोटो है तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं भाई उसके बाद में यहाँ पे मैंने मेरी एक्नोलिजमेंट है जहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किस किस ने इसमें योगदान दिया है बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है स्पेशल थैंक्स विक्रम सर के लिए जो कि हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिन जिन्होंने योगदान दिया है बुक में ठीक है इंडेक्स पे हम यहाँ से पहुंच जाते हैं इंडेक्स एज यू नो मैं हमेशा की तरह स्मार्ट इंडेक्स बनाता हूँ एरर डिटेक्शन अगर आपको पढ़ना है क्लिक कीजिए आप एरर डिटेक्शन पर पहुंच जाओगे यहां पे आप देख पाओगे ज्वाइन टेलीग्राम इंग्लिश बाय प्रशांत सर यहां क्लिक करोगे तो आप इंग्लिश वाले टेलीग्राम पर पहुंचोगे गो टू इंडेक्स से आप सीधे इंडेक्स पे पर जाते हो यहां क्लिक करोगे तो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर पहुंचोगे और यहां क्लिक करोगे तो सीधे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर पहुंचोगे आपको जहां जाना है वहीं पर क्लिक करना बीच में आप कहीं भी क्लिक करो खूब नाचो खेलो कुछ भी करो आप कहीं नहीं जाओगे ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती के लिंक डाल रखें गो टू इंडेक्स कर लेते हैं इंडेक्स पर पहुंचते हैं जहां भी आपको जाना है जैसे कि हमने सेंटेंस करेक्शन पर पहुंचना है सीधे हम सेंटेंस करेक्शन पर पहुंच जाते हैं अगेन टेलीग्राम पर जाना है तो यहां क्लिक करना है गो टू इंडेक्स यहां पर है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ इस बुक की खूबसूरती क्या है इस बुक की खूबसूरती यह है एक तो बाईलेंग्वल सोल्यूशन दे रखे हैं बाईलेंग्वल ठीक है सारे के सारे सोल्यूशन बाईलेंग्ल हैं जैसे कि हिंदी वाला बच्चा हो या इंग्लिश वाला बच्चा हो सबको समझ आ सके इसीलिए डाले गए हैं बाईलेंग्वल सोल्यूशन जैसे कि हम पैरासम्बल अच्छा एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको खास बात इस ई बुक में जैसे आप एरर के सोल्यूशन पर जाओगे ना एरर डिटेक्शन के जब सोल्यूशन पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कई जगह पे मैंने ये रेफरेंस दे रखा है मैं इसको लाइव करके दिखाऊं, जूम करके दिखाऊंगा जैसे ये रेफरेंस हमने दे रखा है कि देखो बिसाइड का और बिसाइड का डिफरेंस अगर आपको ढंग से समझना है तो प्रेपोजिशन की वीडियो आपको देखनी है उसके लिए क्लिक ईयर करना है ठीक है जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी सीधे वही वीडियो आ जाएगी प्रेपोजिशन की वीडियो पर आप सीधे पहुंच जाओगे यानी कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हमने सीधे प्रपोजिशन की वीडियो पे पहुंचा दिया यानी कि इस बुक में कई जगह ऐसा है जहां पे थोड़े से कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आपको अगर वीडियो की जरूरत है तो आपको सीधे ये ई बुक आपको सीधे वीडियो पर ले जाएगी कहां ले जाएगी भाई सीधे वीडियो पर ले जाएगी आपको सिर्फ क्लिक करना है क्लिक वहीं करना है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ईयर अदरवाइज दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाकी कहीं भी क्लिक करो धूमधाम से खेलो कूदो नाचो गाओ जो आपको करना है आप कर सकते हैं तो होगा ठीक है, अच्छा, वार वार है, सर, है, सर, है इस तरीके से स्मार्ट जो प्रूफ रीडिंग है मैंने उस दिन भी कहा था कुछ स्टूडेंट्स ने करी है पहले टीम ने करी स्टूडेंट्स ने करी है उसके बाद मैंने खुद करी है उसके बाद में भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं जो हमसे इग्नोर हो जाती है ठीक है रह जाती हैं कोई ऐसा नहीं होगा कि ऑल टुगेदर आंसर गलत डाल दिया आंसर्स सारे सही होंगे कॉन्सेप्ट्स सारे सही होंगे गलती हो सकती है तो स्पेलिंग मिस्टेक उसके बाद भी मैं हमेशा ओपन रहता हूँ मैं कभी बड़ी बातें नहीं करता हूँ मैं प्रैक्टिकल रहता हूँ लाइफ में और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिकल रहें और प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आपको फिर भी ये लगता है कोई एरर आपको मिलता है इस बुक को पढ़ते टाइम पे तो आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं हम उसको करेक्ट करके अपडेट बुक को कर देंगे फिर भी अगर कोई एरर मिलता है वैसे कोई एरर इसमें नहीं है ठीक है तो भाई ये एरर डिटेक्शन वाले में ये खास बात देखी आप लोगों ने कि हमने जहां जहां रेफरेंस दिया है बाकी हमने आपके मनोरंजन का भी ना पूरा इंतजाम किया है ठीक है मनोरंजन का इंतजाम कैसे किया है आप जब इस बुक के ई खोलोगे तो ई की जो हिंदी लिखी है सोल्यूशन में वो खुद मैंने लिखी है ठीक है ई पर हम पहुँच जाते हैं ई की हिंदी एक बार मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा कि मैंने कैसे कैसे हिंदी में थोड़ा सा कोशिश की है जैसे हमारी की क्लास अट्रैक्टिव होती है जैसे ईडी सेम बोट इन द सेम बोट का मतलब होता है समान मुश्किल परिस्थिति में जैसे कि एसएससी और रेलवे वाले बच्चे यानी कि समान मुश्किल परिस्थिति में पेपर टाइम से होते ही नहीं एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं ठीक है इन हाई स्पिरिट्स जैसे आप खुश होते हैं बहुत खुश व उत्साहित जैसे आप सिलेक्शन के बाद होंगे मतलब ऐसे डाले हैं, ठीक है ठीके? कि आप उससे रिलेट कर पाओ कनेक्ट करके पढ़ पाओ ठीक है देखो और भी मैं कुछ दिखा देता हूं जहां पे मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डाले जाएं देखो किसी चीज का सारांश हर चीज की हिंदी दे रखी है और इंग्लिश भी दे रखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है दोनों को देने का पर्पज एक ही है कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आए आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आए ठीक है देख लेना बाकी कई जगह पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जैसे कि अ पिंच ऑफ साल्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है संदेह के साथ स्वीकार करना जैसे कि जब वो कहती है कि वो आपसे प्यार करती है तो ये बात आप संदेह के साथ स्वीकार कर पाते हैं ये बात आप संदेह के साथ स्वीकार कर पाते हैं ऐसे ऐसी कई जगह पर मैंने चीजें लिख रखी हैं ठीक है थीके? जैसे कि द मूवर्स एंड मूवर्स एंड शेकर का मतलब होता है वो लोग जो बहुत शक्तिशाली होते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करें जैसे एस एस सी सीजीएल में इंग्लिश और मैथ्स क्या है मूवर्स एंड हैं क्योंकि सब कुछ कंट्रोल करते हैं आपका सिलेक्शन इंग्लिश और मैथ्स कंट्रोल करता है ठीक है तो मैंने कोशिश की है कि इसको मैं अट्रैक्टिव बना सकूं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकूं ये मेरी कोशिश हमेशा से रही है और हमेशा यही रहेगी ठीक है ये आपकी ई e बुक है ये ई e बुक आपको कैसे मिलेगी कहाँ मिलेगी बहुत सिंपल तरीके से जान लें ये ई e बुक आपको मिलेगी भाई साहब आर जी विक्रमजीत ऐप पे और टेलीग्राम पे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल इंग्लिश बाई प्रशांत सर दोनों जगह आपको ये ई बुक मिल जाएगी ठीक है दोनों जगह आपको ये ई बुक मिल जाएगी मिलेगी कब जैसे ही क्लास खत्म होगी क्लास जब लाइव होगी लास्ट में उसी टाइम पे आपके सामने अपलोड करूंगा अभी अपलोड नहीं करूंगा नहीं सारे के सारे लोग बदतमीजी दिखाएंगे और भागेंगे अभी मॉक टेस्ट कर लेते हैं आ जाते हैं भाई सीपीओ का मॉक टेस्ट है बहुत जबरदस्त मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन पी का है जल्दी से आंसर करेंगे क्या आंसर होगा ठीक है जल्दी से आंसर करेंगे क्या आंसर होगा भाई पहले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे ई e बुक टेलीग्राम पे मिलेगी नो डाउट ई बुक एप पर मिलेगी नो डाउट ठीक है बहुत सारे लोग मैसेज भी आने लगे कि सर इसकी प्रिंटेड कॉपी दे दो प्रिंटेड का भी सोचेंगे अगर आपको बुक फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी हम विचार करेंगे लेकिन अभी नहीं ठीक है आ जाते हैं भाई क्वेश्चन का आंसर करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ठीक है क्वेश्चन आंसर करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे भाई बहुत मेहनत करके आपके लिए कुछ काम किया है और बड़ी मतलब सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं देखो जो ए सेंटेंस है वो आप देख पा रहे हो तो बट से स्टार्ट हो रहा है आप समझ ही पाएंगे बट से स्टार्ट हो रहा है अगर ये सेंटेंस बट से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए से ये शुरू नहीं हो सकता है ए से कोई ऑप्शन भी नहीं है यहां पे देखेंगे द होस्ट हिम आ रखा है यहां पे देखेंगे शुरू हो सकता है यानी मैं कहूंगा कि एक तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है एक ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है डी से ही शुरू हो रहा है अब आप देखोगे कि डी के बाद में सी आ रखा है इस ऑप्शन में भी और इस ऑप्शन में भी अब हमें यह देखना है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा देखिए ए में लिख रखा है द गेस्ट बट इंस्टीड ऑफ आस्किंग पे देखो ही का मतलब है होस्ट और होस्ट की पहली बार बात की गई है बी सेंटेंस में बी सेंटेंस में होस्ट लिख रखा है और ए सेंटेंस में उसके लिए ही शब्द यूज किया गया है तो आप बता सकते हैं मुझे बी पहले आएगा या ए पहले आएगा पहले बी आएगा सिंपल सी बात है बी पहले आएगा यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बी इज करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला आपका क्वेश्चन है अगेन देखो ए ऑप्शन बट से शुरू हो रहा है ऐसे सेंटेंस से शुरू नहीं होगा इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर ऑफन यूनिफॉर्म आर मोर यूनिफॉर्म दिस प्रोवाइड्स देखो आप ये सी ऑप्शन को देखोगे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या चीज ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किस चीज को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी शहरों में या देखो जनरली देखो विलेज में एजुकेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है या सिटीज में तो ऑब्वियसली बात है सिटीज में इसीलिए तो हम शहर में पढ़ने आते हैं हमें एकदम छोटे से गाँव के बच्चे दिल्ली में पढ़ने आए थे ना और हमें एजुकेशन की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली कैरेक्टर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं इनमें ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कह सकता हूँ कि जो चाइल्डहुड है वो एक्सटेंड हो जाता है कहाँ पे डेवलप्ड सोसाइटीज़ में डेवलप्ड सोसाइटीज़ में तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए ये दिस आया है यानी उसके लिए अगर ये दिस आया है तो ए और बी एक नेसेसरी पेयर बन जाता है सॉरी बी और सॉरी ए और सी ए सी ए सी एक नेसेसरी पेयर बन जाता है एक बार देखेंगे कहाँ कहां पे है क्या यहाँ पे है बिल्कुल नहीं है जी क्या यहाँ पे है हाँ जी है क्या यहाँ पे है बिल्कुल नहीं है जी क्या यहाँ पे है बिल्कुल नहीं है जी एक ही ऑप्शन में दे रखा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसको करने के और भी काफी सारे तरीके हैं बाकी फिलहाल सिर्फ आंसर मार्क करना है तो यही कर सकते हैं ठीक है दूसरा ऐसे देख सकते हैं कि देखो ये बट है बट कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कॉन्ट्रास्ट दिखाता है तो दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा यहाँ डेवलप्ड की बात है और यहाँ रूरल की बात है यहाँ एक में डेवलप्ड है एक में रूरल तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं तो मैं कह सकता हूँ बी ए का पेयर बनेगा किसका पेयर बनेगा बी ए का क्या यहां पे पेयर है बी ए का जी नहीं क्या यहां पे पेयर है बी ए का जी नहीं एक तो पेयर यहां पे है बी ए का और एक पेयर यहां पे है बी का अब आप इसको भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं कि आपका डी पहले आना था या सी पहले आना था सेंटेंस बी से शुरू हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है डी से ही शुरू होना था ठीक है कई तरीके से आप देख सकते हैं बी ए का भी पेयर बनेगा और आपका ए सी का भी पेयर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइनली इट कैन बी टर्मड एज द चैनल देखो फाइनली आ रखा है फाइनली का मतलब है फाइनल पंच फाइनली यानी कि 99 परसेंट ये जो ए सेंटेंस है ये लास्ट में आया होगा कितनों में लास्ट में इसमें लास्ट में नहीं इसमें लास्ट में नहीं इसमें लास्ट में नहीं इसमें ये सबसे पहले क्यों ना इसी ऑप्शन को चेक कर लें चेक जरूर कर लेना क्रॉस चेक करना जरूरी होता है पेपर में ठीक है यानी कि डी से शुरुआत करनी है द रोड इज़ वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैन काइंड ठीक है उसके बाद में सी इट इज़ द रोड रोड की ही बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है यहाँ पे रोड

इन सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना कि प्लूरल का तो वर्ग की जगह पे वॉज का प्रयोग किया जाएगा तो ये आपका एरर डिटेक्शन का सही हो जाएगा द पुलिसमैन आस्कड मैनी पीपल बट वन वॉज नोइंग अब आपको पता है जो आपकी सेंस वाली वर्ब होती हैं कौन सी जो सेंस वाली वर्ब होती हैं उनके साथ में जो सेंस वाली वर्ब होती हैं उनके साथ में हम आई मतलब उनको आई में हम यूज नहीं करते हैं तो वन वॉज नोइंग गलत हो जाएगा हमें करना पड़ेगा नो वन न्यू नो वन न्यू इनके साथ में इंडेफिनिट टेंस आता है कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन है सी परसिस्टेड टू डूइंग अब आपको यह पता होना चाहिए परसिस्ट के साथ में जो प्रेपोजिशन आती है वो टू नहीं का प्रयोग किया जाता है परसिस्ट के साथ में टू का नहीं इनका प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है इनका प्रयोग किया जाता है परसिस्ट के साथ में तो परसिस्टेड इन डूइंग वॉटेड नेक्स्ट देखेंगे अथॉरिटीज आर अश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इन टू द मैटर अब एक बात बताइए अथॉरिटीज किसी को अश्योर कर रही हैं या अथॉरिटीज को अश्योर किया जा रहा है तो आप देखोगे वैसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है अगर ऑब्जेक्ट मतलब है ये पैसे नहीं रहोगा। वैसे भी करेंगी, उनको तो नहीं रहा होगा किया जाएगा तो आप कहोगे सर एक्टिव चाहिए ये जो ऑप्शन था ये पैसिव है तो ये तो गलत हो गया हो गया कि नहीं भाई गलत ये गलत हो गया ठीक है दूसरा अथॉरिटीज प्लोरल सब्जेक्ट है तो हैजोर्ड भी नहीं आएगा ए ऑप्शन भी तो पैसिव है तो ये भी नहीं आएगा तो बी ऑप्शन आपका जो कि पैसिव नहीं है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन टीवी एज देयर इज नथिंग मच टू डू अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ये एक आपका वर्ड होता है एज वेल well. और एक आपने देखा होगा एज वेल well. एज देखिए दिस इज एन एडवर्ब ये क्या है एडवर्ब होता है ये आप प्रेपोजिशन की तरह से देख सकते हैं इसको एग्जैक्टली exactly ये ये होता है हम ये नहीं कह सकते भाई ठीक है लेकिन हाँ फिलहाल हम एग्जाम से देखेंगे तो इसको प्रेपोजिशन मान सकते हैं यानी अगर पीछे एज आ रखा है तो ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है अगर सिर्फ एज वेल आ रखा है तो ये एडवर्ब की तरीके से काम करता है ठीक है अगर मान लीजिए ये प्रेपोजिशन आता तो ऐसे केस में प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा भाई प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेगा ऑब्जेक्ट लेगा अगर ये ऑब्जेक्ट आता तो नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होता है कि नहीं भाई ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो होगा या प्रोनाउन होगा अरे होगा कि नहीं होगा नाउन या प्रोनाउन होगा कह सकते हैं आ जाते हैं क्वेश्चन पे सबसे पहले एज वेल एज इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है यहां पे वॉच आ रखी है जो कि वर्ब है आप एक बात बताइएगा वर्ब से पहले प्रेपोजिशन आएगा या वर्ब से पहले आपका एडवर्ब आएगा किस चीज की जरूरत है प्रेपोजिशन की या एडवर्ब की अरे वर्ब से पहले क्या आता है बता दो तो दो तो आप सब कहोगे सर वर्ब से पहले तो एडवर्ब आता है तो इसमें तो प्रेपोजिशन है इसको तुम कर नहीं सकते तो ये गलत हो गया अब देखोगे माइट वेल कुछ नहीं होता है एज वेल होता है ठीक है तो हम कहेंगे वेल well का तो कोई सेंस ही नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है एज सच कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे आने का एज सच ठीक है यह सच भी डिटरमिनर होता है इसके बाद में भी हमें क्या चाहिए होता नाउन चाहिए होता यहाँ पे नाउन नहीं आ रखा है ये प्रोना या तो डिटर्मिनर के तरीके से आता है या प्रोनाउन के तरीके से आता है ठीक है तो ये भी गलत हो जाएगा सो आई कैन से कि सारे ऑप्शन गलत हैं सिर्फ और सिर्फ जो बी नो इम्प्रूवमेंट है दिस इज करेक्ट तो आप कहोगे वी माइट एज वेल एज वेल क्यों आया भाई ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत है और एज वेल well एक एडवर्ब होता है आई होप इट इज क्लियर टू यू आई होप इट इज क्लियर टू यू नेक्स्ट मैनी अ मैन अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जैसे ये मैनी होता है मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी प्लूरल वर्ब आएगी लेकिन अगर कभी आपके सामने मैनी अ आ जाए तो उसके साथ में जो नाउन आता है दैट इज सिंगुलर नाउन और जो वर्ब आएगी दैट इज सिंगुलर वर्ब वर्ब भी सिंगुलर आएगी नाउन भी सिंगुलर आएगा तो ऐसे केस में आप इस सेंटेंस पे आ जाते हैं देखिए यहाँ पे मैनी को इन्होंने अंडरलाइन नहीं कर रखा था मैनी के नीचे से ये जो लाइन है इसको हटा देंगे भाई ठीक है मैनी के नीचे से लाइन हटा देंगे सिर्फ यहाँ से अंडरलाइन है ये इतना अंडरलाइन पार्ट है ठीक है अब देखेंगे एक बार क्या हम ये लिख सकते हैं मैन अ मैन नहीं लिख सकते क्या हम मैन हैज लिख सकते हैं मैनी मैन हैज एम ई एन यानी कि प्लुरल है ध्यान देंगे एम ए एन जो होता है वो सिंगुलर होता है और एम ई एन जो होता है ये प्लूरल होता है ध्यान देंगे इस चीज पे भी तो एम -E तो प्लूरल है तो ये तो गलत हो गया एम ए एन अब फिर यहाँ से ए हट जाएगा क्या हम ए को हटा सकते हैं नहीं हटा सकते इसका मतलब है अगेन नो इम्प्रूवमेंट इज दी करेक्ट आंसर मैनी अ मैन हैज ठीक है मैनी अ मैन हैज नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग देखो ग्लोबल वार्मिंग एंड और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर क्या बन चुका है क्या ये पेनल्टी है आप देखोगे पेनल्टी हम जब लगाते हैं जब कोई कुछ गलत कर देता है उसका जो पनिशमेंट है क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को एज पेनल्टी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं क्या हम इसको पनिशमेंट ले सकते हैं नहीं क्या ये खतरे में पड़ गए हैं नहीं ये एक थ्रेट बन गए हैं ये एक खतरा बन गए हैं क्या बन गए हैं खतरा बन चुके हैं तो थ्रेट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दे आर आइडिया ऑफ अ होलीडे इज डैश सॉरी देयर आइडिया ऑफ अ होलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजोर्ट ठीक है देखेंगे एक बार देखो देयर आइडिया क्या है सब्जेक्ट है सबसे पहले ये देखेंगे देयर आइडिया क्या है सब्जेक्ट है देयर आइडिया इज उनका आइडिया क्या है देयर आइडिया इज देयर आइडिया इज बाइंग अ बुक उनका आइडिया है कि एक बुक खरीद ली जाए वो आइडिया नहीं खरीद रहा है देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है इसको वर्ब मत समझ लेना कॉम्प्लीमेंट है ये ध्यान देंगे भाई ठीक है यानी कि जीरंड हमें जीरंड की जरूरत है बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे बहुत आंसर सब लगा देंगे इसका सब लगा देंगे कि इज के बाद में आई आएगा लेकिन इज के बाद में आई आएगा ये इसलिए नहीं आया है बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पे ये जो है ये वर्ब नहीं है ये जीरंड है ये जीरंड है ध्यान देंगे नाउन है ये दिडिया ऑफ अ होलीडे देर आइडिया ऑफ अ होलीडे इज वॉट इज दैट आइडिया हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए और वो आइडिया है रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिजॉर्ट रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिजॉर्ट बेसिक बात मैं यहां पर यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां जीरण की जरूरत थी वर्ब की आई एन जी फॉर्म की नहीं यह गलती मत कर देना कि आई एन जी फॉर्म है ये ठीक है हालांकि आंसर आप कर पाओगे सही उसको सोच के लेकिन सोचो जैसे मैंने कहा आई एम डूइंग दिस वर्क तो मैं उस वर्क को कर रहा हूं मैंने कहा आई एम रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिजोर्ट मैं लग्जरी रिजोर्ट पे रिलैक्स कर रहा हूं मैंने लिखा आई एम या फिर आई छोड़ो ही इज रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिसोर्ट रिलैक्सिंग एस अज सॉरी एट अ लग्जरी रिजॉर्ट देखेंगे अब आप देखोगे ये डूअर है सब्जेक्ट रिलैक्स कर रहा है और अगर आपने यहाँ पे इसको वर्ब मान लिया मान लीजिए आपने मान लिया कि ये वर्ब है जैसे एस एस सी में तो एक काम का नहीं है ऐसा सेंटेंस सी डी एस में आ जाए और सीडीएस में वो रिलैक्सिंग को अंडरलाइन करके कहे कि कि ये 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 है, pronoun है, है है। है। है या तो तो मैं बता रहा हूं, 99 लोग वर्ब मार के आ जाएंगे। लेकिन ये वर्ब नहीं पे noun, यानि जीरंड है। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ब होती, तो इसका मतलब है उनका आइडिया क्या कर रहा है हॉलीडे का आइडिया कहीं रिजॉर्ट में जाके रेस्ट कर रहा है आइडिया नहीं रेस्ट कर रहा है उनका आइडिया ये है, उनका आइडिया ये सो इट इज इंपोर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है सिर्फ आंसर लगाना बहुत आसान है आंसर कोई भी लगा सकता है मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर लगाने के लिए पढ़ें मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश को समझने के लिए पढ़ें नेक्स्ट योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अग सिटी डज सी आपको क्वेश्चन टैग बड़े आसानी से आना चाहिए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए डज सी नहीं होगा सी होगा सी होगा यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई सी डी सी नेक्स्ट आगे देखते हैं सो डेंजरस डिड द वेदर कंडीशन डैश दैट ऑल माउंटेन रोड्स वर क्लोज इस वर को देख के हमको यह समझ आया कि सेंटेंस पास्ट में है किसमें है पास्ट में अगर ये पास्ट में है तो वी वन नहीं आएगी हैव नहीं आएगा बिकम्स नहीं आएगा बिकेम इज दी वर्ड तो बिकेम इज द करेक्ट आंसर बिकेम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डैश डिलीवर्ड ऑन मंडे ठीक है देखेंगे एक बार देखो यू आपका सब्जेक्ट है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब थी कैन मेन वर्ब क्या है भाई अरेंज आपकी क्या है मेन वर्ब फॉर फॉर आपकी प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंसाइनमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप देखोगे एक सब्जेक्ट आया था उसके लिए वर्ब आ चुकी है कोई सब्जेक्ट तो है नहीं तो क्या मुझे वर्ब की जरूरत है बिल्कुल नहीं क्या मुझे वर्ब की जरूरत है बिल्कुल नहीं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे आगे अब देखो ऑलरेडी कंसाइनमेंट फॉर द कंसाइनमेंट फॉर बींग नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कैसे अब यहां से एक चीज समझेंगे कोई चीज डिलीवर हम फ्यूचर में करेंगे अरेंज कर रहे हैं हम हम क्या कर रहे हैं अरेंज अरेंज जो काम कर रहे हैं हम फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होगा आगे चल के होगा होगा कि नहीं फ्यूचरिस्टिक चीजों को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं इन्फिनी या जीरेंड इन्फिनेटिव लगाते हैं या जीरेंट तो आप सब कहोगे सर कहोगेटिव लगाते हैं तो यहां पे मैं की जरूरत नहीं पड़ेगी इनफिनिटिव आएगा और वो आपका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ध्यान देंगे भाई जो भी चीजें फ्यूचरिस्टिक होती है फ्यूचरिस्टिक इन नेचर उन सब के साथ में क्या आता है इनफिनिटिव आता है इनफिनिटिव इन्फिनिटिव ठीक है इनफिनिटिव आता है ठीक है और जो चीजें फ्यूचरिस्टिक नहीं होती हैं जो पास्ट की चीजें होती हैं और जो पास्ट होती हैं जो गुजरा हुआ समय होता है उसके लिए जनरली हम जेरंड का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं जीरन का ठीक है क्वेश्चन तेरह एक बार देख लें सो डेंजरस डिड ओके 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 क्वेश्चन तेरा एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन तेरा एक बार देख लेता हूं यहां पर डिड आ रखा है भाई इसीलिए वी टू का नहीं वीवन का प्रयोग किया जाएगा सॉरी फॉर दैट बिकम्स तो आएगा नहीं डिड आ रखा है डिड के बाद में वीवन का प्रयोग किया जाता है बी आएगा सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट मिस कर दिया मैंने डिड को हो जाता है कभी कभी नेक्स्ट एक अगेन पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है एक आर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी इंगेज इन दैम इन सॉलिट्यूड फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डिमिनिज मिजरी इट डबल्स आर जॉय एंड डिवाइड्स आर ग्रीव वैन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज विथ आर सक्सेस बताएंगे भाई जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे थर्टीन क्वेश्चन ग्यारह में भी देखना है क्या भाई ग्यारह माँ देख लेते हैं एक दो बच्चे कह रहे हैं सर ग्यारह में भी देख लो भाई ग्यारह माँ तो बड़े ढंग से समझाया उसको तो नहीं देखूँगा आप ग्यारह माँ सही समझाया उसको नहीं देखेंगे बढ़िया समझाया वो तो बताओ भाई

इट आप कह सकते हैं ये फ्रेंडशिप के लिए आया है फ्रेंडशिप डबल्स आर जॉयज एंड डिवाइड आर ग्रीफ सो मैं कह सकता हूं कि बी के बाद में सी आएगा बी के बाद में सी आएगा ठीक है बी के बाद में सी आएगा अब कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बी के बाद में सी दे रखा है देखो यहां सी के बाद में बी है यहां सी के बाद में बी है यहां बी और डी बी और सी के बीच में डी आ रखा है एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है वही आपका करेक्ट आंसर है एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन पता नहीं दिमाग में आया नहीं ठीक है वो गलती से हो गया डेढ़ के बाद में

कार्टून फिल्म इज बींग वॉच्ड इज बींग वॉचड इज बींग यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस ठीक है तो देखो वुड लाइक हैड बीन नेगेटिव तो था ही नहीं कौन क्या मैसेज कर रहा है करने दे बकवास इसको करनी है अब आएगा तो मैं देख लूंगा एक बार ठीक है भाई चलो मैम का फोन नहीं किसी स्टूडेंट का फोन था कि कोई कमेंट में कुछ गलत बोल रहा था तो मैंने कहा देखता हूँ कौन है चलो देखते हैं नेक्स्ट स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैव पुट अप है तो हैव बीन आ जाएगा इज बीइंग है वाज पुट है इज पुट है तो हैज़ बीन सही आंसर ये हो जाएगा ठीक हैज़ बीन नेक्स्ट अभी क्वेश्चन बाकी हैं लेकिन एक बार अपने वीओडी बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं ये इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है आरजी विक्रमजीत ऐप पर आपको मिल जाएगा ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए आरजी विक्रमजीत प्ले स्टोर से इस बैच में दो साल की वैलिडिटी प्री मिन्स डिस्क्रिप्टिव तीनों की क्लासेस अपडेटेड कंटेंट डब लाइव डाउट सेन्स मिलते रहेंगे फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते हैं ग्रामर वो कैब कॉम्प्रेंसन तीनों मिलता है फिलहाल की डेट में वो कैब आपको यूट्यूब पर भी मिल रही है ठीक है

सेट दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डेड आ रखा है क्या रखा है? आ रखा है ठीक है अच्छा तो ये शुरू में क्या रहा होगा दैट डे दैट डे क्या रहा होगा टूडे ठीक है यहां देखेंगे ये दैट डे दे है ये दैट डे दे दोनों गलत हो गए ये टूडे है ये टुडे है ठीक है क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था बिल्कुल नहीं था यह आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विल आ रखा है विल को किस में चेंज करते हैं वुड में चला जाएगा यू सेकेंड पर्सन है इसके हिसाब से चेंज होगा सी में चला जाएगा तो यहां पे देखेंगे कंजंक्शन क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन है question है तो नहीं आएगा यहाँ पे दैट आ रखा है तो ये हट जाएगा तो देखेंगे सी वुड सी वुड और सी वुड ठीक है अब देखो माई है माई किससे चेंज होता है इससे ठीक है सी सेट टू हर तो माई की जगह पे भी क्या आ जाएगा हर आ जाएगा अब आप यहाँ देखोगे हर सूट हर सूट हर टुमारो सूट. किस किसमें चेंज होता है क्या टुमारो टुमारो रहेगा बिल्कुल नहीं रहेगा ठीक है नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा तो ये भी गलत हो गया सो so, इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक चीज को एलिमिनेट करते जाएंगे एक एक तरीके से देखते जाएंगे नेक्स्ट नरेशन का क्वेश्चन है अगेन मे गॉड सॉर हिज चोसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू मे गॉड ठीक है तो मे को कर देते हैं माइट में चेंज तो सी विस्ट दैट गॉड माइट सॉर तो देखो गॉड मे है गॉड मे गॉड सॉडर है ये भी नहीं होगा यहाँ पे गॉड माइट है यहां पे भी गॉड माइट है सोवर हिज चोइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन अब यू किससे चेंज हो जाएगा ही से तो हिम ठीक है तो इस हिसाब से ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सिनोनिम्स बताने हैं पहला आपका वर्ड है टेसिटर्न टेसिटर्न होता है जो कम बात करता है सिनोनिम क्या हो जाएगा रिजर्व लाइवली ज्यादा बात करने वाला जो तेज होता है नॉइजी भी ज्यादा बात वर्बस भी ज्यादा बात तो ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे नेक्स्ट स्क्वैक स्क्वैक होता है बेसिकली चीखना एकदम से जो आवाज निकालते हैं स्क्रीम करना तो बेसिकली स्क्रीम चीखना आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट लेक्यूना लेक्यूना क्या होता है किसी भी चीज में आया हुआ गैप किसी भी चीज में आया हुआ ब्रेक इज कॉल्ड लेक्यूना सो लेक्यूना क्या होता है किसी भी चीज में आया हुआ ब्रेक किसी भी चीज में आया हुआ गैप इज कॉल्ड लेक्यूना क्या बोलते हैं लेक्यूना लेक्यूना तो देखेंगे भाई lacuna, होगा बिल्कुल नहीं होगा अपैथी होगा बिल्कुल नहीं होगा लैंग्वर होगा नहीं हाइटस होता है हाइटस बेसिकली किसको बोलते हैं किसी भी चीज में आया हुआ ब्रेक किसी भी चीज में आई हुई रुकावट सो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं

कोई भी चीज होती है जहां पे ऑप्शन दे रखे रखो मतलब आप करो या मत करो ठीक है और एक आपका होता है कंपल्सरी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कमेरा डेरी बेसिकली होता है फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप अच्छी भावना ठीक है फ्रेंडशिप इसका सिनोनिम होगा पूछा है एंटोनिम एमटी सिनोनिम आ जाएगा कंपेनियनशिप सिनोनिम एंटोनिम इज डिसक डिसलाइक इज द करेक्ट एंटोनिम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ वन हु हुपरवाइज स्टूडेंट्स

कि ये क्या है अनरियलिटी को दिखाता है अनरियलिटी को दिखाता है अगर कोई भी चीज अनरियलिटी को दिखाती है तो उसमें क्या लगाते हैं सब्जेक्टिव मूड आता है फॉर ऑब्वियस रीजन आप सब जानते हैं क्या आता है अनरियलिटी के लिए सब्जेक्टिव मूड सब्जेक्टिव मूड और कौन सा सब्जेक्टिव मूड आता है भाई पास्ट का कौन सा सब्जेंटिव पास्ट सब्जेंटिव मूड आता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड आता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में बेसिकली होता क्या है अगर कोई काम प्रेजेंट का रहा है तो पास्ट में चला जाएगा यानी वी टू से दिखाएंगे अगर कोई काम पास्ट का रहा है तो उसको हेड प्लस वी थ्री से दिखाते हैं क्या दिखाते हैं हेड प्लस वी थ्री से अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए होगा एंड कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डी होगा सबसे पहले ये देखेंगे कि ये तो दोनों नहीं होंगे इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो तो प्रेजेंट में पास्ट सब्जेक्टिव मूड में प्रेजेंट कभी नहीं आएगा अब मुझे ये देखना है आई विश दिखाता है किसी भी रिग्रेट को क्या दिखाता है रिग्रेट कोई आपका रिग्रेट है अब ये कैसा रिग्रेट है प्रेजेंट का देखो प्रेजेंट का रिग्रेट हो सकता है और पास्ट का हो सकता है दो तरीके के रिग्रेट हो सकते हैं जैसे प्रेजेंट के रिग्रेट की बात करते हैं मगर मुझे बड़ा खेद है इस चीज का कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता मैं चाहता हूं कि आपके पास निकल के आ जाऊं लेकिन क्या मैं आ सकता हूं नहीं ये प्रेजेंट का रिग्रेट है मैंने कहा आज मैं यहां पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि यार का मैं पढ़ लिया होता काश मैंने मम्मी की बात सुन ली होती कब सुन ली होती पेरेंट्स की बात पास्ट में अगर आज रिग्रेट है तो आज तो सुन ही लेगा घनचक्कर क्यों नहीं सुनेगा सुन लेगा ये रिग्रेट उस तरीके का है कि ये पास्ट में ही पॉसिबल है भाई साहब जब हम छोटे थे मम्मी पापा की बात नहीं सुनी काश सुन ली होती कब सुन ली होती पास्ट में यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये कब का रिग्रेट है पास्ट का किसका रिग्रेट है पास्ट का और पास्ट का रिग्रेट अगर होगा तो मैं यहां से कह दूंगा कि इसके लिए क्या आना चाहिए हेड प्लस वि थ्री प्रेजेंट के रिग्रेट के लिए वी टू आता है और पास्ट के रिग्रेट के लिए हेड प्लस वी थ्री आता है अगर हेड प्लस वि थ्री आता है तो हेड लेसेंड हो जाएगा नो no इंप्रूवमेंट इसका नहीं होगा ठीक है नो no इंप्रूवमेंट इसका नहीं होगा नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ फिक्सनल बीइंग फ्रॉम अनादर वर्ल्ड फिक्शनल बींग एन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो क्या होता है एलियन पीके देखी देखिए ना एलियन ठीक है नेक्स्ट अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड कोई भी ऐसा साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता है इन एडिबल होता है जिसको खाया ना जा सके ठीक है इन डेलीबल होता है जिसको मिटाया ना जा सके ऑडिबल होता है जिसको सुना जा सके और इन होता है जिसको ना सुना जा सके

ये होता है डिसिप्लिन में जो रहता है यहां पे बात है पंक्चुलियस ठीक है पंक्चुलियस सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट टू बरी द द हैचेट की बात है टू बरी हैचेट बेसिकली टू बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को खत्म करके नई शुरुआत करना पुरानी दुश्मनी को खत्म करके टू टू एंड अ क्वारल इज द करेक्ट आंसर टू एंड अ क्वारल ठीक है नेक्स्ट होल्ड द की होल्ड the की आपके घर में किसके पास में की होती है मम्मी के पास में, actual में देखा जाए पापा तो वैसे ही बदनाम है सारा कंट्रोल तो मम्मी ही रखती हैं तो बेसिकली होल्ड द की का मतलब होता है ऑफ समथिंग एक्चुअल में घर की चाबी हो मम्मी के पास ना हो लेकिन पापा की चाबी मम्मी के ही पास होती है पापा का पूरा का पूरा, का पूरा कंट्रोल मम्मी के हाथ में होता है विशु कह रहे हैं कि सर कोई फोन नहीं उठा रहा है कोर्स से रिलेटेड बात करनी है आप यहीं पूछ लीजिए मैं बता देता हूँ कोर्स के बारे में अभी एट प्रेजेंट आप मेरे दो बैचों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं एक वीओडी बैच है रिकॉर्डेड बैच एक लाइव बैच है उन्नीस जुलाई को जो आया था ठीक है उस बैच में कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं बेसिक्स हो चुका है प्रोनाउन हो चुका है और प्रपोजिशन हो चुका है क्वेश्चन टैग हो चुका है कई सारे हो चुके हैं ठीक है आप वो बैच ले सकते हैं या आप वी बैच ले सकते हैं दोनों में से कोई भी बैच आप ले सकते हैं तो कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मैं बता रहा हूँ दो बैच हैं उन्नीस जुलाई वाला रैंकर्स थ्री पॉइंट हो और वी बैच ठीक है एग्जाम अगर इसी साल वाला देना है तो मैं कहूँगा वी बैच लीजिए अगर एग्जाम नेक्स्ट साल वाला देना है तो आप लाइव बैच लीजिए और मैं कहूँगा कि लाइव जो नेक्स्ट है वो वाला ले लेना नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे क्योंकि नेक्स्ट लाइव अगले पाँच सात दिन में आ जाएगा हमारा ठीक है पाँच सात दिन में आपको नेक्स्ट लाइव बैच भी मिल जाएगा ठीक है

होल्ड वाटर का मतलब होता है बेसिकली ठीक है पांच सात दिन में बैच आ जाएगा नया होल्ड वाटर का मतलब बेसिकली क्या होता है जब आप वैलिड होते हैं जब आप रीजनेबल होते हैं तो हम कहते हैं कि यू होल्ड वाटर योर टॉक्स होल्ड वाटर ठीक है नेक्स्ट थर्टी नाइन अभी और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन उससे पहले इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में जान लीजिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है जो मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से आप लोगों के लिए बनाई है सीपीओ के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो ये स्ट्रेटजी वीडियो आप ही के लिए है बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो है पूरे यूट्यूब पे एसएससी सीपीओ की इससे अच्छी स्ट्रेटजी कोई नहीं बता सकता है जितनी इसमें बना बता है आपको इन डिटेल मेडिकल फिजिकल एग्जाम कैसे तैयारी करनी है किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है हर चीज़ इसमें डिस्कस करी हुई है आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड जो इस वर्ड गलत स्पेलड किया गया है प्लोप एकदम सही स्पेलिंग है प्लेराइट प्लेगराइज़ सही स्पेलिंग है प्लेफुल सही स्पेलिंग है ये जो प्लेराइट है इसमें w r i g h t होता है w r i g h t ठीक है सो बी इज द करेक्ट आंसर प्लेराइट नेक्स्ट अगेन एक इडियम दिया गया है उसका मीनिंग आपसे पूछा गया है टू द नाइंस 9 नाइन यानी कि पॉजिटिव यानी कि टू द नाइन्स टू परफेक्शन नहीं टू ग्रेट डेफ्स नहीं टू बी जेलस नहीं टू बी एग्जाल्टेड नहीं टू दू दाइन्स टू परफेक्शन टू परफेक्शन टू परफेक्शन ठीक है किसी भी चीज को वेन यू डू समिंग टू द नाइन्स यू डू इट टू परफेक्शन ठीक है यू डू इट टू परफेक्शन आगे है कॉम्प्रीएंशन का क्वेश्चन शन के लिए देखते हैं एक बार टाइम बचेगा या नहीं साढ़े छह ऑलरेडी हो चुके हैं सो लेट्स जस्ट मूव टू क्लोज टेस्ट फर्स्ट क्लोज टेस्ट से पहले भी देख लेते हैं एक बार कुछ नरेशन के भी क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छा ये नरेशन के नहीं है ये क्लोज टेस्ट के नरेशन गलती से लिख दिया है, टीम ने क्लोज टेस्ट एन ओल्ड मैन लिव्ड इन विलेज ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड ही वॉज वन ऑफ दी डैस अब आपको देखा होगा ये वन ऑफ के बाद में जनरली जो आगे एडजेक्टिव आता है वो कौन सा आता है वन ऑफ के बाद में साधारण जो एडजेक्टिव आता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो मेन नहीं होगा अटमोस्ट नहीं होता है मोस्ट मैक्सिमम भी नहीं होगा वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला आपका क्वेश्चन है अनफॉर्चुनेट पीपल इन दी वर्ल्ड होल विलेज वॉज टायर्ड टायर्ड आपका एडजेक्टिव है। ध्यान रखेंगे भाई टायर्ड के साथ में हमेशा और हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है टायर्ड ऑफ समबडी तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आ जाएगी दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ नेक्स्ट He was always gloomy. He dash complained and was always. अब देखो He was always gloomy. यहाँ पे भी ऑलवेज आ रखा है यानी कि तीन चीजें कनेक्ट की गई हैं तीनों में सेंस है ऑलवेज का किसका सेंस है ऑलवेज का अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑलवेज का सेंस देगा ही सिनिकली कंप्लेंट नहीं दे रहा है कॉमनली ऑलवेज का सेंस नहीं देगा मोस्टली नहीं देगा कॉन्स्टेंटली हर टाइम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता था कहां से निकाला ये भी ऑलवेज था ये भी ऑलवेज के साथ था इसमें ऑलवेज नहीं लगा रखा है क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए सेम रैंक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा सेम रैंक स्ट्रक्चर का मतलब है कोई ऐसा वर्ड आएगा जो ऑलवेज को रिप्रेजेंट करे और वो कॉन्स्टेंटली होता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में आपको फिल करना है कंप्लेंट एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड द डैश ही लिव्ड मोर देखो कॉमा लगा रखा है कॉमा अपने आप में कोऑर्डिनेट होते हैं वैसे भी देख सकते हैं एंड मोर कंपेरेटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री तो कौन सी डिग्री आएगी कंपेरेटिव तो लेंथी आएगा जी नहीं लॉन्ग आएगा जी नहीं लॉन्गेस्ट आएगा जी नहीं लॉन्गर द लॉन्गर ही लिव्ड द लॉन्गर ही लिव्ड ठीक है द लॉन्गर ही लिव्ड हर जगह कंपेरेटिव है तो कंपेरेटिव ही आएगा ये देख रहे हैं आप कंजंक्शन का कितना बड़ा रोल हो जाता है Coordinate conjunctions के बारे में पता होना चाहिए. उसके कैसे थे? While एक ऐसा मतलब खतरनाक जहरीला टाइप का. तो उसके word कैसे बन रहे होंगे? ज़हरीले तो mortal तो नहीं बनेंगे फैटल नहीं बनेंगे अब वर्ड्स टॉक्सिक होंगे या पोजिनियस होंगे या आप बताएंगे. टॉक्सिक होंगे या पोजीनियस होंगे या आप लोग बताएंगे जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे होंगे होंगे, होंगे होंगे। या toxic words होंगे? Poisonous words होंगे या देखिए का ज़्यादा रहता है, फिगरेटिव में कम आता है ठीक है टॉक्सिक फिगरेटिव में ज्यादा आता है लिटरल में भी आता है तो टॉक्सिक में और पोइजीनियस में यही फर्क है ठीक है पोइजीनियस में और टॉक्सिक में यही फर्क है पोइजीनियस फिगरेटिव सेंस में आता है और टॉक्सिक लिटरल सेंस में आता है ठीक है इन दोनों में ये डिफरेंस है ठीक <coughs> है तो आप लिखोगे मोर टॉक्सिक वर हेज वर्ड्स मोर टॉक्सिक वर हेज वर्ड्स ठीक है मोर टॉक्सिक वर इज वर्ड्स ध्यान देंगे ये सब चीजें हमने कहाँ फिगरेटिव मीनिंग आता है कहां लिटरल मीनिंग आता है ये जो ई बुक e दे रखी है ना दोनों ही सी एच एस एल वाली भी सी जी एल वाली भी इन दोनों में जगह जगह पे मेंशन कर रखा है क्या फिगरेटिव सेंस होता है क्या लिटरल सेंस होता है जहां जहां जरूरत पड़ी है सब समझा रखा है कोशिश की गई है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा आपको समझाया जा सके बेस्ट कोशिश की गई है उस ई e बुक में बहुत बढ़िया प्रयास है हमारी तरफ से ठीक है बहुत जबरदस्त प्रयास हमने किया है ऑन ऑलरेडी छः पैंतीस हो चुके हैं मुझे लगता है पांच क्वेश्चन मैं आज स्किप कर देता हूं आप लोगों के लिए आप लोग पैसेज को पढ़ के खुद से कर लेना अगर डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है पैसेज को स्किप कर देते हैं काफ़ी टाइम लगेगा उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में आंसर्स बताने पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास से हंड्रेड परसेंट पैसेज भी आपका कराएंगे आज क्योंकि स्टार्टिंग में ई बुक को एक्सप्लेन करने में लगभग पंद्रह मिनट लग गए थे तो इसलिए छोटी क्लास टाइम था आप देखोगे लगभग चालीस पे क्लास स्टार्ट हुई चालीस पे क्लास स्टार्ट होने के बाद पंद्रह मिनट लगभग हमने चालीस मिनट के अंदर ये सारा का सारा टेस्ट आपको समझा दिया है तो मैं कोशिश हमेशा एक ही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाऊँ ठीक है स्पीड में पहुँच पाऊँ आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो ठीक है तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूँगा आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे फिर से सी के लिए कुछ ना कुछ खास लेके आएंगे कुछ अच्छा लेके आएंगे अभी आपको ई बुक मिल जाएगी ठीक है कमेंट करके जरूर जाएंगे भाई कमेंट करके जरूर जाएंगे कि आप इ e बुक को लेकर कितने एक्साइटेड हो जरूर कमेंट करेंगे ई e बुक अभी अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए अभी तुरंत अपलोड कर रहा हूं ई e बुक लेकिन पहले कमेंट कर देने भर देना है कमेंट सेक्शन को सौ कमेंट कर दो फटाफट से उसके बाद में ई e बुक अपलोड हो जाएगी ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह बुकैफ की क्लास होगी सारे लोग आना ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत